कभी आपने तदब्बुर किया कि आपकी जिंदगी किस कदर दुश्वार हो सकती थी अगर आप सुनने की सलाहियत से महरूम होते? क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपके दो पांव जिन पर आप चलते फिरते हैं आपसे ले लिए जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ हो जाएगी? कभी आपने इन सब नेमतों के बगैर की जिंदगी के बारे में भी गौर किया? कभी आप सुबह सवेरे जाग उठे हो और तब यह एहसास हुआ हो कि कितने ही दूसरे लोग भी इस वक्त जागना चाहते थे मगर पड़े सो रहे हैं? कभी अल्लाह की बेहतरीन नेमतें खाते हुए एहसास भी हुआ कि आज कितने ही लोग भूख से पलकते रहेंगे? कभी अस्पताल से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स ली हो इस एहसास मुसर्रत के साथ कि वो सब आपकी मुकम्मल सेहत की अक्कास हैं? जबकि इसी दिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ चंद दिनों के मेहमान रह गए होंगे। कभी आपने सांस लेने की सलाहियत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया? और कभी कुर्रे अर्ज की बेहतरीन खुशबुएं सूंघने की नेमत पर भी उसका शुक्र अदा किया? अपने आसपास की सुरीली आवाजें सुनने पर भी कभी जज्बाए शुक्र उभरा? हाथों से अशिया को छूने और महसूस करने की नेमत का भी कभी एहसास हुआ? उन शानदार शख्सियात के कुर्ब की नेमत का भी कभी एहसास हुआ जिनसे अल्लाह ने तुम्हें वाबस्ता कर दिया है? जिंदगी में उनकी मौजूदगी पर भी दिल ने कभी कलमाए शुक्र अदा किया? और क्या कभी उनके बगैर अपनी जिंदगी का भी तसव्वुर किया? जरा सोचिए, क्या आप अपने देखने, छूने, महसूस करने, सुनने और मामूल की जिंदगी बसर करने की नेमतें देकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना गवारा कर लेंगे? क्या आप भी जुबान पर उन्हीं चीजों का शिकवा जारी रहेगा जो आपको मयस्सर नहीं, बजाय उन चीजों का एहसास करने के जो अल्लाह ताला ने आपको अता कर रखी हैं? क्या नहीं मालूम कि रब की आप पर इतनी नेमतें हैं कि आप सिर्फ उन्हें गिनने की भी सलाहियत नहीं रखते? क्या इसके बावजूद भी इजहारे तशक्कुर के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ न उठाओगे? जन्नत और जमीन के खालिक के हुजूर सजदे में न झुक जाओगे? उन तमाम नेमतों के शुक्रिया के तौर पर जो उसने तुम्हें अदा कर रखी हैं, उन दस्तयाब और वाफिर नेमतों से लुत्फंदोज ना होगे, उनका शुक्रिया अदा न करोगे? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟